टिहरी लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी और लोकसभा चुनाव के प्रभारी आदरणीय विनय रोहेला जी, संचालक नेहा जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा कमली भट्ट जी, चुनाव प्रभारी मसूरी विधानसभा ज्योति कोटिया जी, प्रदीप रावत जी, राकेश रावत जी, मोहन पेठवाल जी, सुरेंद्र राणा जी, ओपी उनियाल जी, रमेश चौहान जी, दिनेश सुयाल जी एवं हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं बहने, सभी नौजवान साथी, हमारे सैनिकगण, पूर्व सैनिकगण और पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब की तरफ से आज इस पर्यटन नगरी में, इस आंदोलनकारी भूमि में भारतीय जनता पार्टी के सुशील राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि आगमन पर उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आप सब की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब लोग। भाइयों बहनों, आदरणीय नड्डा जी पूरे देश के अंदर आज 18 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन आपके माध्यम से होता है। आपके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में सरकार में है या सहयोगी दलों के साथ उन राज्यों की सरकारों का संचालन कर रही है। ऐसे महान संगठन जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप काम करते हैं और आपसे हम सब कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा मिलती है कि कितनी सहजता से, सरलता से और शालीनता से एकदम ऐसा लगता नहीं है कि आप विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष हैं। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से सादगी और सरलता की एक प्रतिमूर्ति अगर कोई है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। मैं देवभूमि आगमन पर आपका स्वागत इसलिए करता हूँ कि आप हमारे ही पड़ोसी राज्य हिमाचल से, वो भी देवभूमि है और इस देवभूमि में पधारे हैं। भाइयों बहनों, लोकसभा के चरण के हमारा पहले चरण में मतदान होना है और 19 अप्रैल को हम लोकतंत्र के महापर्व में जा रहे हैं। हम सबको योगदान देना है और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, इसके संकल्प को आगे बढ़ा